प्रियात्मन, आज आपके समक्ष एक बहुत सुंदर मुद्राओं के जो चल रहा था, हमने कई मुद्राओं के बारे में बताया, एक बहुत ही सुंदर दुर्लभ मुद्रा आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। और वो चूंकि बहुत सी बातें मैंने आपको भूमिका रूप में तो बहुत कुछ कर चुका है, और आप देखें तो सब में एक तारतम्य है, दर्जनों तक वो सब अलग अलग कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे हजारों होंगे। तो मैं सीधे अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। ये आपका ये इसको ये जो मुद्रा जो बन रही है इसको ये पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये आपने देखा ये जो आपकी जो अनामिका है इसको आपने ये थंब से तरह से मिलाया, और जो इस हाथ पे बन रहा है वही इधर बनना चाहिए, जैसे ये आपका यहाँ पर अनामिका को यहाँ से मिलाया इस तरह से। ये मुद्रा जो जो फिंगर काम में नहीं आ रहा उसको सीधे रखना है, और ये इस तरह से आपकी ये पृथ्वी मुद्रा बनती है। ये पृथ्वी मुद्रा आपकी इस तरह से बनी, इस मुद्रा से आपको अनेकों लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति जगेगी और मन मस्तिष्क में शांति मतलब मेंटल पीस आपको इससे प्राप्त होगा, और बॉडी में आपके गजब की स्फूर्ति और वो तेज आपके अंदर होगा, आपकी जो का जो वाइटल फोर्स है वो काफी वो प्रखर होगा, और इससे वो और विटामिन की कमियों को भी दूर करता है। सब अनेक अनेक इससे लाभ है, और अधिक न कहकर से कहूंगा कि ये मुद्रा को अगर आप करते रहेंगे तो इस तरह से मुद्रा करने से आपको अनेक बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके अंदर फुर्ती और स्फूर्ति बनी रहेगी, चेतना बनी रहेगी, वाइटल फोर्स आपका बहुत जागृत रहेगा, आप विटामिन कमी भी आपकी दूर होगी, और सात्विक गुण और मेंटल पीस आपको बहुत मिलेगा, और सात्विक वो गुणों का विकास होगा जो सब वो ये क्षेत्र में काम करता है। तो इस तरह से आपकी मुद्रा बनती है, और आगे फिर और भी मुद्राओं के साथ आऊंगा। ये आप बस इतना जानिए किस तरह से आपका ये जो अनामिका और थंब को आपने इसे मिलाया, और इस तरह से ये बाकी जो उंगलियां काम में उसको सीधा रखिए, इस तरह से आपकी मुद्रा बनी। इससे अनेक अनेक लाभ है, इसको आप करेंगे तो इसको इससे आपको बहुत तरह के लाभ होंगे, और आगे बहुत सी चीजों के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।